बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग चैप्टर 3 जनरल साइंस 6 क्लास। दिस चैप्टर इज अबाउट फोटोसिंथेसिस। यस बेटे, दिस चैप्टर इज अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसी से रिगार्डिंग आज भी कुछ चीजें डिस्कस होंगी। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट लेसन। इस बेटे कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? सर, यस सर, आज जब सर मेरे कहने तो सर एंड सन्स ऑर्गन्स का सर बुक पर सेंड कर देंगे। हाँ जी, मैं कर देता हूँ सर। बट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में हमने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये स्टडी किया था। ये फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये चीजें बताई गई कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, हाउ डज इट अकर। टुडे वी आर टू डिस्कस हाउ प्लांट लीव्स आर अडॉप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस, के पौधों के जो पत्ते हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे अडॉप्टेड हैं। तो बताया कि जब साइंटिस्ट ये कहें कि समथिंग, किसी चीज का कहें कि दैट इज अडॉप्टेड, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेल सूटेड टुवर्ड्स फंक्शन और जॉब। कि किसी भी चीज के बारे में जब ये कहा जाए कि वो अडॉप्टेड है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी स्ट्रक्चर ऐसे है कि वो अपना फंक्शन या जो उसका जॉब है उसको बेहतर तरीके से कर सकती है। प्लांट लीव्स जो है दे आर वेल सूटेड टू देयर वर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब पौधों के जो पत्ते हैं तो इनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। तो पौधों की स्ट्रक्चर ऐसे है कि वो फोटोसिंथेसिस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब उसकी अडॉप्टेशन क्या है लीव्स की, ये आपके यहाँ बताया गया कि लीव्स आर ब्रॉड, चौड़े होते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, फ्लैट होते हैं, ठीक है, फ्लैट शेप में है। तो फ्लैट शेप में होना या ब्रॉड होना, तो इससे क्या होता है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा सनलाइट ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब हो सकती है। तो आपने देखा कि लीव्स के अंदर ये जो अडॉप्टेशन थी कि वो ब्रॉड थे और फ्लैट थे, तो उसका फायदा क्या हुआ है कि सनलाइट ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब हुई है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ज्यादा अब्जॉर्ब हो रही है। खुद ही म्यूट हो जाया करें, मुझे ना करना पड़े। मोस्ट लीव्स का बताएं कि दे आर क्वाइट थिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू ट्रेवल ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच द इनर सेल्स। लीव्स बारीक होते हैं, ठीक है, थिकनेस कम होती है, और उसका फायदा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनर सेल्स तक पहुंचने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता। ये भी एडवांटेज हो गया। ये भी जो अडॉप्टेशन थी लीव्स के अंदर के थिन थे, थिकनेस कम थी, तो उसका फायदा क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इनर सेल्स तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल्स जो हैं इनसाइड द लीफ दे आल्सो मेक इट इजी फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू ट्रेवल टू द क्लोरोप्लास्ट। के अंदर कुछ स्पेसेस होती हैं, एयर स्पेसेस होती हैं लीव्स के अंदर, उनके अंदर जब हवा भर जाती है तो क्लोरोप्लास्ट तक हवा का जो पहुंचना है वो आसान हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पहुंचना आसान हो जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना होता है। आपको अभी जो अडॉप्टेशंस बताई गई हैं, देखें कौन कौन सी बताई गई हैं। लीव्स का बताया कि ब्रॉड हैं, फ्लैट शेप में हैं, उससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। आपको दूसरा बताया गया कि इनमें लार्ज स्पेसेस होती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिल हो जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट तक उसका ट्रेवल करके जाना आसान हो जाता है। अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से, हाथ खड़ा करें जो बता सकते हैं। अयान इमरान बेटे आप बताएंगे कौन सी, मैंने दो अडॉप्टेशंस बताई हैं अभी। नो आंसर। अब्दुल्ला श्याम, दो अडॉप्टेशन, दो अडॉप्टेशन मैंने कौन से बताई हैं सर? ब्रॉड सरफेस एरिया,
ब्रॉड लीव्स ब्रॉड हैं, ठीक है, लीव्स का बताएं कि वो ब्रॉड हैं और फ्लैट शेप उनकी, और क्या बताया मैंने? अरे ब्रॉड एब्सॉर्ब नहीं और आपने सर आपने बताया कि रोड होते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच डायनोसर, ठीक है, ताकि जो शॉर्ट डिस्टेंस द लीव्स लार्ज एयर स्पेसेस, ओके बड़े, जैसे मैं पूछूं वो बताया करें क्वेश्चन। मोहम्मद अहमद, यस सर, बड़े आप बताएंगे कि लीव्स के ब्रॉड होने का लीव्स को क्या फायदा है? सर लीव्स के ब्रॉड होने का ये फायदा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ज्यादा एरिया मिल जाता है अब्सॉर्प्शन के लिए, और सनलाइट भी ज्यादा अब्सॉर्ब हो सकती है। एक्सीलेंट, यस करेक्ट। ये दो अडॉप्टेशंस आपको अभी बताई गई। इसके अलावा थर्ड अडॉप्टेशन बताई जा रही है कि देयर आर मेनी स्टोमेटा इन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ एंड दीज अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द लीफ एंड ऑक्सीजन टू लीव इट। स्टोमेटा का ज्यादा तादाद में होना, स्टोमेटा लीव्स में ज्यादा तादाद में, और फिर ज्यादा तादाद में भी लोअर सरफेस ऑफ द लीफ जो है वहां पे है, अपर सरफेस में थोड़े होते हैं। अब इसका फायदा क्या है? देखें, स्टोमेटा का फायदा तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है इन गैसेस का एक्सचेंज विद द एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंटल एयर जो है यानी विद द एटमॉस्फेयर इजीली एक्सचेंज हो जाता है इन गैसेस का। लेकिन ये स्टोमेटा जो लोअर सरफेस पे होते हैं तो इनका भी पौधों को फायदा होता है, जब ऊपर से लाइट पड़ती है तो हीट की वजह से अगर स्टोमेटा ऊपर वाली सरफेस पे होते तो इवेपोरेशन ज्यादा से ज्यादा होती, ट्रांसपरेशन जो है वो ज्यादा हो जाता, लॉस ऑफ वाटर जिसको ट्रांसपरेशन ही कहते हैं, तो ये ज्यादा हो जाती, जैसे पौधे जो हैं वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते, पानी की उनमें कमी हो जाती। अब लीव्स की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा का ये फायदा है कि पानी ज्यादा खारिज नहीं होता, वाटर जो है प्लांट्स का वो सेव रहता है। ये स्टोमेटा का लोअर सरफेस पे होने का मैंने क्या फायदा बताया है? हसान अलीम सर, बेटा जैसे मैं पूछूं सर, लो जैसे मैं पूछूं वो बताएं, हसान अलीम से पूछा है मैंने। मोहम्मद अयान सगीर, सर मैं बताऊं? यस बेटे बताएं। सर ज्यादा पानी खारिज नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। अगर अपर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते तो वाटर का लॉस ज्यादा होता, पौधे के लिए वो नुकसान देता, तो लोअर सरफेस पे होते हैं गैसेस एक्सचेंज हो जाता है और वाटर लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट बताया, यस सर, स्टोमेटा में वाटर होता है? स्टोमेटा के अंदर बैठे वाटर नहीं होता, स्टोमेटा के रास्ते पानी जो है वो बाहर खारिज होता है, हवा में खारिज होता है, और इन्हीं स्टोमेटा के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है इनका एक्सचेंज होता है विद एनवायरमेंट। वैसे जब फोटोसिंथेसिस होती है तो पौधे इन्हीं स्टोमेटा के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और जब रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं इन्हीं स्टोमेटा के रास्ते और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट अडॉप्टेशन देखिए, देयर आर मेनी क्लोरोप्लास्ट इन अपर सेल्स ऑफ द लीफ। लीफ की जो अपर लेयर है, ये देखिए ऊपर जो लेयर शो की, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं देन इन द लोअर लेयर्स ऑफ द सेल्स। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि लाइट तो ऊपर से पड़नी है जिसको ऑब्जर्व करना है, तो ऊपर ज्यादा सेल्स आ रही है, पहली सेट सेल्स जिनको कहते हैं, पहली सेट सेल्स जो है दे आर ऑन द अपर सरफेस और इन्हीं के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं, दे विल रिसीव द मोस्ट सनलाइट। ठीक है, पहली सेट मेसोफिल सेल्स होते हैं जो अपर लेयर बनाते हैं और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं, लाइट ऊपर से पड़नी होती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट ऑब्जर्व हो सकती है। फाइनली ब्रांचिंग नेटवर्क जो वेन्स का होता है, जो कि जाइलम वेसल्स हैं, ये लीव्स को वाटर सप्लाई करते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जाइलम वेसल जो लीव्स के अंदर होती हैं, ब्रांचिंग नेटवर्क होता है इनका, तो ये लीव्स को ज्यादा से ज्यादा पानी सप्लाई करते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस के दौरान वो इस्तेमाल हो सके।
ज़ाइलम वेसल्स का मैंने जो काम बताया है, कौन बच्चा बता सकता है? कलीमुल्ला, जब कोई आंसर नहीं दे सकता बच्चा तो इसका मतलब वो सुन ही नहीं रहा बात। रिपीट इट सर, देयर सप्लाई वाटर टू द सेल्स वेयर फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग। यस, दे सप्लाई वाटर, वाटर सप्लाई करते हैं मेसोफिल सेल्स तक, लीव्स तक, जहां फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ये आपको स्टोमेटा जो है उसका शो किया गया। ये जो ओपनिंग है ये स्टोमेटा, इसके बाहर जो सेल्स होते हैं वो गॉड सेल्स कहलाते हैं, जो कि इसकी ओपनिंग क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। रेट ऑफ फोटोसेंसिस के बारे में बेटा नेक्स्ट बताया गया कि फोर थिंग्स आर देयर दैट विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसेंसिस। पहली है लाइट। लाइट जितनी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ फोटोसेंसिस फास्ट होती है। प्लांट्स फोटोसेंथिसाइज फास्टर ऑन अ सनी डे देन दे डू ऑन अ क्लाउडी डे। कि जब लाइट ज्यादा हो, धूप पड़ रही होती है, तो ज्यादा फोटोसेंसिस होती है एज कंपेयर टू द टाइम व्हेन क्लाउडी डे इज देयर, क्योंकि उस वक्त लाइट कम होती है। And plants growing on an open meadow photosynthesize faster than the same kinds of plants growing in the shady places. खुली जगहों पे, meadow क्या होती है, चरागाहें, खुली जगह, खुले मैदान, वहां पे जो पौधे होते हैं उनमें photosynthesis ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्यादा light absorb कर सकते हैं, receive कर सकते हैं। जबकि वो पौधे जो shady places कौन सी होती है, सायादार जगह, दूसरे पौधों के नीचे उगे हुए हैं, सायादार जगह हैं, वहां उनको लाइट थोड़ी मिल सकती है, इसलिए फोटोसेंसिस उनकी स्लो होती है। Sometimes in greenhouses बताया कि ब्राइट लाइट्स आर शोन ऑन प्लांट्स टू मेक देम फोटोसेंसिटाइज एंड ग्रो फास्टर। ग्रीन हाउसेज जो होते हैं ये स्पेशल ग्लास केसेस होते हैं जिनके अंदर पौधों को उगाया जाता है, तो बताया कि उनमें ब्राइट लाइट्स जो हैं वो शाइन करवाई जाती हैं ताकि प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा लाइट मिल सके, लाइट एनर्जी मिल सके, और फोटोसेंसिस उनकी फास्ट हो जाती है, उनकी ग्रोथ भी फास्ट हो जाती है। ठीक है, लाइट का फैक्टर। हाँ जी, ये शोन लाइट का क्या मतलब है? किसका शोन? ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एस एच ओ एन, शोन। शोन बेटे शाइन की थर्ड फॉर्म है। शोन, शाइन का मतलब होता है चमकना। ठीक है, लाइट इज शोन, इनके लाइट को थ्रो किया जाता है, लाइट को थ्रो किया जाता है इन ग्रीन हाउसेस के अंदर। ओके, तो ताकि पौधों की फोटोसिंथेसिस फास्ट हो सके। यस सर, फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसाइज में क्या फर्क है? फोटोसिंथेसिस बेटे नाउन है और फोटोसिंथेसाइज वर्ब है। फोटोसिंथेसाइज का मतलब है फोटोसिंथेसिस करना। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर। टू लिटल वाटर बताया कि स्लोज डाउन द रेट ऑफ फोटोसेंसिस। अगर पानी कम हो तो रेट ऑफ फोटोसेंसिस स्लो हो जाता है। अ प्लांट विच इज बिगिनिंग टू विल्ट, कि ऐसा पौधा जो मुरझा रहा है, मुरझाने वाला है, किस वजह से, कि पानी की कमी है उसमें, बिकॉज लैक ऑफ वाटर, मे फोटोसेंथिसाइज एट ओनली हाफ द नॉर्मल रेट। तकरीबन 50% जो है वो फोटोसेंसिस उसमें हो रही होगी, नॉर्मल रेट पे जिस कदर फोटोसेंसिस होनी थी उससे रेट हाफ हो जाएगा क्योंकि पानी की कमी है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। बेस्ट टेम्परेचर जो सूटेड है, वेल सूटेड, दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फोटोसेंसिस जो है स्टिल टेक्स प्लेस इफ द टेम्परेचर राइजेस अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कि टेम्परेचर बढ़कर 40 तक चला जाता है फिर भी फोटोसेंसिस होगी, बट एट द टेम्परेचर हायर देन दिस रेट ऑफ फोटोसेंसिस स्लो हो जाती है एंड सून स्टॉप्स ऑल टुगेदर। अगर टेम्परेचर 40 से ज्यादा हो जाए तो रेट ऑफ फोटोसेंसिस पहले स्लो होगी फिर स्टॉप हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? वजह आपको बताएगी कि हीट डिस्ट्रॉय कर देती है एंजाइम्स को। एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैरी आउट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो एंजाइम्स के जरिए होते हैं। जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो ये एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इस वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। At low temperatures, photosynthesis also slows down considerably. अगर temperature कम हो जाए तो फिर भी rate of photosynthesis slow हो जाता है। Next है carbon dioxide. ये last factor है। Carbon dioxide, increasing amount of carbon dioxide जो है air में, इसे rate of photosynthesis जो है वो बढ़ जाती है और growth भी fast होगी। देखें, जब photosynthesis ज्यादा होगी तो खुराक ज्यादा बनेगी, पौधों की growth ज्यादा हो सकती है ज्यादा खुराक की मौजूदगी की वजह से। और बताया कि ग्रीन हाउसेस के अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको समटाइम्स इंक्रीज किया जाता है बाय पंपिंग इन दिस गैस।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे पहले लाइट थ्रो की गई थी, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर पंप करके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ाया जा सकता है। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेक्स द प्लांट्स ग्रो फास्टर। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे इंक्रीज हो जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ फास्ट हो जाती है। यस बेटे, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर यस, मतलब ग्रीन हाउस में ह्यूमन प्लांट्स को खुद ग्रो करते हैं, वो नेचुरली ग्रो नहीं होते? नेचुरली नहीं, ये ग्लास केसेस होते हैं, इनका ये होता है फीचर ये होती है कि लाइट इनके अंदर एंटर हो सकती है, ठीक है, जिसमें हीट होती है, तो ये लाइट रेस एंटर हो जाती हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकती, वेवलेंथ का फर्क पड़ जाता है, जो बाहर निकलने वाली उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती, इंफ्रारेड रेडिएशन की बात होती है, वो बाहर नहीं जा सकती, अंदर ही रहती हैं, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और पौधे सर्वाइव करते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में, जब मैदानी इलाकों के पौधे हम काश्त करते हैं तो वहाँ ग्रीन हाउस से जो है वो यूज करते हैं। सर यस सर, ग्रीन हाउस गैसेस का कोई डिसएडवांटेज होता है? बेटे ग्लोबल वार्मिंग इनसे होती है, ये टेम्परेचर को ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेती है, रिटेन करती है और एटमोसफेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग, फ्लडिंग वगैरह ये जो है प्रोसेस, ये चीजें होती हैं, कंसिक्वेंसेस इसके ये हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ओके सर।